हाय, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। आज दो चीज़ें लेकर हम आपके सामने आए हैं। पहली बात तो जो है आज़ाद मैदान की जो अपडेट है वो आपको देनी है, और दूसरी बात अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरते वक्त कोई मिस्टेक या कोई गलती कर दी है तो उसमें करेक्शन किस तरीके से करना है, उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। तो हम चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारा ये है कि आज़ाद मैदान में जो धरना आंदोलन चल रहा था, अघोषित शिक्षक, बिना अनुदानित शिक्षक और आंदोलन करते जो शिक्षक थे, जो शिक्षकों की विविध मांगनी थी उसमें सबसे बड़ी मांगनी जो है वो अनुदान को लेकर थी, और अनुदान को लेकर जो अपडेट हमारे सामने आई है, डेली हमने आपको अपडेट देते रही है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं कि हम जिस तरीके से आपको डेली अपडेट दे रहे थे आज़ाद मैदान के ताल्लुक से। तो बताया जा रहा है कि अगली जो मीटिंग है, शिक्षण मंत्री ने खुद कहा है कि अगली जो मीटिंग है वो 15 नवंबर को होने वाली है, और 15 नवंबर को जो है ऐसा शिक्षक समन्वय संघ तरफ से जो है 2 नवंबर को एक ऐलान किया गया है कि 15 नवंबर को जो है 20%, 40% और 60% जो है अनुदान लगभग लगभग मिल जाएगा, इस तरीके से इन्होंने आश्वासन दिया है। और बताया गया है कि 10 तारीख के बाद टीचरों ने जो है फिर से जो है जो भी मतलब रिलेटेड टीचर है उन्होंने फिर से जुड़ना जो है वो शुरू हो जाना है आज़ाद मैदान में 10 नवंबर के बाद। तो बताया जा रहा है, शिक्षण समन्वय संघ की तरफ से बताया जा रहा है कि शिक्षण मंत्री से बात करते वक्त ये बात हुई कि जो लोगों का 0 में उनको 20%, जो 20 में उनको 40, और जो 40% में उनको 60%, मतलब 20% जो है टप्पा अनुदान वार्ड होंगी, इस तरीके से जो है आज़ाद मैदान को लेकर ये खबर निकल कर आ रही है। और इसके अब 15 तारीख तक तो फिलहाल कुछ होना नहीं है, 15 तारीख के बाद ही जो है आगे का पिक्चर जो है वो क्लियर होगा कि आगे मामला किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से आज़ाद मैदान की ये खबर है। मतलब आप अगर आप नॉन ग्रैंड टीचर हो, आप अघोषित हो, या फिर आप जो भी वहाँ से आपके जो भी मतलब मसले मसाइल है, तो आप समझ के चलिए कि 15 तारीख के बाद ही जो है इसको पूर्ण विराम लग सकता है। उसके बाद दूसरी बात जो है हमारी, यहाँ पर सीटेट के फॉर्म में अगर आपने कुछ गलती कर दी तो उसने आपने क्या करना है। अगर आपका सीटेट का फॉर्म है, किसी ने 2 साल की जगह 3 साल का बीएड सिलेक्ट कर लिया, किसी ने 1 साल की जगह 2 साल का कर लिया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, 7-7, 8-8 ऑप्शन है, किसी ने परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया सीजीपीए की जगह, या फिर जो भी मदर्स नेम, फादर्स नेम, सिटी वगैरह, आप जो है सीटेट का फॉर्म में आपका सेंटर छोड़कर, आपने अगर एक बार जो सेंटर सेलेक्ट कर लिया और आपने आपकी फ़ीस भर दिए तो वो सेंटर छोड़कर बाकी तमाम जो भी है चेंजेस आप 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के दरमियान कर सकते हैं। जो भी आपने चेंजेस करने हैं सीटेट के फॉर्म भरते वक्त आपसे जो गलती हो गई है और आपको चेंजेस करना है, तो आप 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के दरमियान वो चेंजेस कर सकते हैं, अगर फॉर्म भरने की डेट आगे नहीं बढ़ती है तो। क्योंकि फॉर्म भरने की डेट जो आपको पता है, फॉर्म भरने की डेट जो है वो 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक है, और उसके बाद 25 नवंबर को आपने अपना भुगतान कर देना, आपने अपने पैसे वगैरह भर देने, और 28 नवंबर से 3 दिसंबर के दरमियान जो है आप जो फॉर्म में गलती करते हैं वो गलती का जो है आपको सुधारने का मौका वहाँ पर दिया जाएगा, आपको फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपने फॉर्म में जाकर जो है अपनी गलतियों को जो है वो सुधार सकते हैं। और इसके बुलेटिन जो है मतलब सीटेट की ऑफिशियल साइट में जो सीटेट का बुलेटिन है आप उसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं, उसमें साफ साफ डेट मेंशन की है कि आप जो है 3 तारीख से लेकर, सॉरी 28 तारीख से लेकर 3 दिसंबर तक जो है अपने फॉर्म में दुरुस्ती करते हैं। और आगे जो है सीटेट से जुड़ी भी कोई भी अपडेट हमारे पास आती है, उसके साथ ही साथ नॉन ग्रैंड टीचरों से जुड़ी, बिना अनुदानित घोषित टीचरों से जुड़ी भी कोई भी अपडेट जो है आज़ाद मैदान शिक्षण मंत्री या मुख्यमंत्री की तरफ से आती है तो हम सबसे पहले वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप हमारे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे और आपका तमाम शासन निर्णय पीडीएफ जो है वो वक्त वक्त पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी सोशल मीडिया डिटेल्स है, जिसमें आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर देखने के लिए मिलेगा, आप उसके जरिए जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपके कुछ कमेंट होते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर शैक्षणिक अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।